सनातन धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां सुख आनंद और समृद्धि हमेशा बनी रहती है, साथ ही वहां देवताओं का वास होता है। समुद्र शास्त्र में महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इससे महिलाओं के बाल से लेकर पैरों तक की स्थिति और उसके फल के बारे में बताए गए हैं। आप महिलाओं के शरीर के अंगों को देखकर बता सकते हैं कि वह भाग्यशाली है या नहीं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन औरतों की आंखें बड़ी होती हैं वह काफी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है वह उनके लिए शुभ माना जाता है। ऐसी औरतें जीवन की हर समस्या को आसानी से सामना करती हैं और अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती हैं। चौड़े माथे वाली औरत बहुत समझदार होती है और हर कार्य में सफल होती है। महिलाओं के लंबे बाल होना भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। ये कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहती या साफ और सुलझे विचार की होती हैं। बड़ी बाल वाली महिलाओं में मैनेजमेंट की अच्छी योग्यता होती है। जिनका कान लंबे ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। ऐसे जातक अपने परिश्रम के बल पर बहुत आगे बढ़ता है। यदि नौकरी करती हैं तो एक न एक दिन अधिकारी अवश्य बनती हैं। लंबे पैर भी महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। बताया जाता है जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहां धन की कोई कमी नहीं रहती। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन सामान्य से थोड़ी लंबी होती है ऐसी महिलाएं ऐश्वर्य का सुख भोगने वाली होती हैं। या अपने परिवार के सुख के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और सफल होती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन काफी सुखमय होता है। ऐसी महिलाएं कभी किसी पर निर्भर नहीं रहती।